वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने वाजे किया कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। तेलंगाना मोबिलिटी वैली के जरिए इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्याम के मंसूबे में पेशरफ्त की जा रही है। हम तेलंगाना को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी का मरकज बनाने का मकसद रखते हैं। हमारा मंसूबा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से मुतालिक तमाम किस्म के पुर्जों को तैयार करना है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हैदराबाद में जारी साल फरवरी में तेलंगाना मोबिलिटी वैली के जरिए इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्याम के सिलसिले में माहिरे किए गए थे। वजीर मौसूम ने जहीराबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के यूनिट की तामीर के सिलसिले में संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में रुकन असेंबली मानिक राव के अलावा बेशतर कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि इस कंपनी ने जहीराबाद में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। अंदरून 21 दिन TSI पास के जरिए इंडस्ट्री के क्याम के सिलसिले में दरकार इजाजतनामे दिए जा रहे हैं। TSI पास की पॉलिसी मुल्क के लिए मॉडल बन गई है। तेलंगाना में 23,000 सनतों का क्याम अमल में लाया गया है। रियासत को बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हासिल हो रही है। 20 लाख अफराद को मुलाजिमत के मौके हासिल हुए। मन पिल इकड़े उद्योग बाध्यता अवकाश अंदुटा मन जहीराबाद निम्स मन जहीराबाद महिंदा यूनिट अवकाश वेरेवरको का स्थाक उड़े मन जहीराबाद पिल की मन संगारे पिल की मन तेलंगा पिल के रावाल तपन तप वेरे एजेंडा नैन ई रिक्वेस्ट सुमन मिश्राजी मैडम यहाँ पे आप जो नया यूनिट चालू करियो शुरू करियो इसी में आर रिक्वेस्ट एंड आई थिंक लोकल पीपल्स एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स रिक्वेस्ट आल्सो इज दैट लोकल एम्प्लॉयमेंट बी गिवन प्रेफरेंस इफ नीडेड अ लोकल स्किलिंग सेंटर कैन बी एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट इज मोर देन हैप्पी टू सेट अप अ लोकल स्किलिंग सेंटर अगर आप लोकल बच्चे जो है यहाँ पे इनको अगर ट्रेन करेंगी और जितना ज्यादा हो सके उतना 80% 90% जितना ज्यादा हो सका उतना अगर एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को अगर दे जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी और लोकल भी to be in consonance with the local ecosystem is always important.